वेलकम बैक दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इंग्लिश फ्लिक्स यूट्यूब चैनल पर। और आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश क्लास 10th की फर्स्ट प्राइज बुक की आपकी पहली पोएम, जिसका नाम है डस्ट अप स्नो। यह आपके चैप्टर फर्स्ट की पहली पोएम है। यहाँ पर हम आज इस पोएम का एक्सप्लेनेशन समझेंगे इस वीडियो में, साथ में लिटरेरी यानी पोएटिक डिवाइस को भी हम इसमें समझेंगे, वो क्या होते हैं आपको वीडियो में आगे समझ में आ जाएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगी, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि आपको हर वीडियो की अपडेट मिलती रहे। और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते जाइएगा, ताकि मुझे भी आपके लिए ऐसी वीडियो लाने में थोड़ा अच्छा लगे। डस्ट अप स्नो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई एक बहुत ही प्यारी और अच्छी पोएम है, जिसको कम स्टंजा में हम यहाँ पर पढ़ेंगे, यानी कि यहाँ पर दो ही स्टंजा चार चार लाइन के यहाँ पर लिए गए हैं, और उसमें बहुत ही अच्छी बात यहाँ पर बताई गई है। और यहाँ पर कवि हमें यानी पोएट हमें ये कहना चाह रहा है कि आप हमेशा बेड ओमेन यानी कि बुरी चीज़ों को देख कर ये ना सोचे कि कुछ गलत होने वाला है, उसमें भी आपको पॉजिटिव रहना है और नेगेटिव चीज़ों को दूर रखना है। यानी कि हमेशा आपको पॉजिटिव ही सोचना है, अच्छा सोचना है। कभी भी किसी भी चीज़ के दिखने या ना दिखने से आपका अच्छा या बुरा नहीं हो सकता। आप मेरी बात का मतलब समझ पा रहे होंगे कि हम किसी बुरी चीज़ को देख लेते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि अब तो बुरा होने वाला है, और जब हम कोई अच्छी बात हो जाती है तो कि हमेशा बोलते हैं कि अब तो अच्छा होने वाला है। तो ये डिपेंड करता है कि हम क्या सोचते हैं। तो आपका बुराई में भी हमेशा अच्छा हो सकता है, यदि आपको कोई अपशगुन दिखे या फिर ऐसी कोई चीज़ दिख जाए जिससे आपको ऐसा लगे कि अब अच्छा नहीं होगा, तब भी आपका अच्छा हो सकता है, वो भी आपको एक अच्छा संकेत दे सकती है। ये हम इस पोएम को पढ़कर समझने वाले हैं। तो यहाँ स्टार्ट करते हैं। द वे अ क्राउ सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम हेमलॉक ट्री। यहाँ पर हेमलॉक का मतलब होता है अ पॉइजनस प्लांट ट्री विथ स्मॉल वाइट फ्लावर, यानी कि एक जहरीला पौधा या फिर पेड़ या फिर वृक्ष हम बोल सकते हैं, जिसमें छोटे सफ़ेद फूल होते हैं। हेमलॉक ट्री ऐसा होता है और ये बर्फीले क्षेत्रों में पाया जाता है, और जब इसमें बर्फ़ जमा हो जाती है तो कुछ इस तरह का हो जाता है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि द वे अ क्राउ, यानी जिस तरीके से एक क्राउ मतलब कौवा, सुक डाउन ऑन मी यानी कि कुछ हिलाकर इसके ऊपर क्या गिरा देता है, द डस्ट ऑफ स्नो यानी कि बर्फ़ की धूल। यहाँ पर बर्फ़ की धूल से मतलब वो वाली धूल नहीं है जो रोड पर उड़ती है, यानी कि डस्ट के छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, यानी कि जो बर्फ़ होती है बड़ी वाली उसके छोटे छोटे टुकड़े जो गिरते हैं जब स्नोफॉल होता है, तब आपने देखे होंगे आपके कपड़ों पर चिपक जाते हैं, तो एक अच्छी फीलिंग आती है। तो उस तरह की डस्ट की बात यहाँ पर हो रही है, ना कि आपकी धूल की बात हो रही है। द वे अ क्राउ सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, यानी जिस तरीके से एक कौवा मेरे ऊपर डस्ट ऑफ स्नो गिरा देता है, यानी बर्फ के छोटे छोटे जो कण होते हैं उनको गिरा देता है। कहाँ से गिरा देता है, फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, यानी हेमलॉक ट्री है इसके ऊपर ये जो डस्ट है स्नो की, इसको गिरा देता है किसके ऊपर, पोएट के ऊपर। अब पोएट के ऊपर ये किस तरीके से गिर सकती है, यहाँ पर क्लेरिफाई नहीं किया है कि जो कौवा है वो किस तरीके से गिराता है। यानी हो सकता है वो बैठा हो किसी टहनी पर और वो उड़कर गया हो, तो वहाँ पर जो स्नो जमी हुई थी हेमलॉक ट्री के ऊपर वो कवि के ऊपर गिर जाती है, या फिर हो सकता है वो कहीं से आया हो और बैठ गया हो और ये बर्फ़ कवि के ऊपर गिर गई हो, या फिर वो निकल कर जा रहा हो। तो यहाँ पर क्लेरिफाई या फिर स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि क्राउ ने किस तरीके से हेमलॉक ट्री के ऊपर से जो डस्ट ऑफ स्नो है वो पोएट के ऊपर कैसे गिराई, ये क्लेरिफाई नहीं है, लेकिन गिराई किस भी तरीके से गिराई है, ये क्लियर हो गया यहाँ पर। और यहाँ पर ये क्राउ जो है ये जो है आपका सैडनेस का प्रतीक है, डार्कनेस का प्रतीक है, वैसे आपका हेमलॉक ट्री भी यहाँ पर सैडनेस और डार्कनेस का प्रतीक है, सिंबल है, यानी दोनों ही नेगेटिव चीज़ों को दर्शाते हैं। आगे बढ़ते हैं। हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड ड्यूड, जो कि क्या करते हैं मेरे दिल के मूड को, यानी मेरे मूड को वो क्या करते हैं परिवर्तित कर देता है। क्या कर परिवर्तित कर देता है, जो क्राउ है वो उनके ऊपर जब डस्ट ऑफ स्नो गिराता है तो इससे इनका जो दिल है, इनका जो मूड है, इनका जो माहौल है वो परिवर्तित हो जाता है। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड ड्यूड, और मेरे दिन के उस हिस्से को ये सुरक्षित कर देता है या फिर बचा देता है जो मेरे लिए पछतावे में गुजरने वाला था। यानी कि जो हमारा पोएट है वो क्या था, दुखी था। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड ड्यूड, यानी जो दिन मेरा पछतावे में बीतने वाला था, ड्यूड का मतलब हेल्ड इन डिग्रेट, पछताने में या फिर किसी बात का दुख होना, तो इससे मेरा मूड चेंज हो गया, मेरा दिल परिवर्तित हो गया। दैट मीन्स कौवे ने जिस तरीके से इनके ऊपर जो डस्ट ऑफ स्नो गिराई थी, इससे इनका जो हार्ट है यानी इनका जो मूड है वो परिवर्तित हो गया। हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, यानी कि इसने क्या किया, मेरे दिल में या फिर मेरे मूड में परिवर्तन ला दिया। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड ड्यूड, और मेरे पूरे दिन का कुछ पार्ट जो है वो उसने सेव कर दिया, सुरक्षित कर दिया। आई हैड ड्यूड, जिसमें मैं क्या था, मैं पछता रहा था या फिर अभी तक मैं दुखी था जब से लेकर अब तक, तो इसने मेरा आगे वाला दिन जो है वो
खुश मिजाज बना दिया या फिर अब मेरा दिन जो है वो अच्छा गुजरेगा। तो यहाँ पर देखिए नेगेटिव चीज़ें ली गई थी, आप सभी जानते हैं क्राउ को लिया गया और हेमलॉक ट्री, ये दोनों जो है ये डार्कनेस सैडनेस के सिंबल है, और क्राउ को जो है वो बेड ओमेन माना जाता है यानी अपशगुन माना जाता है। लेकिन फिर भी ये दुखी थे और इसके ऐसे करने की वजह से यानी बर्फ़ के पार्टिकल इनके ऊपर गिराने की वजह से इनका पूरा दिन अब अच्छा गुजरेगा, जो कि अभी तक पछतावे में गुजर रहा था। तो जिस तरीके से एक कौवे ने इनके ऊपर बर्फ़ की छोटी छोटी कणों को गिरा दिया, उसके बाद इनका हार्ट या इनका मूड जो है वो चेंज हो गया इस कारण से, और ये खुश हो गए, और जिससे इनके दिन का जो पछतावे वाला भाग था वो बीत गया और इनका पूरा दिन जो है वो बच गया। तो ये था पूरा डस्ट ऑफ स्नो जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई थी, और इन्होंने इन 4 लाइनों में हमें ये बता दिया कि कोई भी चीज़ अपशगुन नहीं होती, नेगेटिव चीज़ में भी आपको सुकून प्राप्त हो सकता है। कभी भी आप ऐसा ना सोचें कि ये हो गया, नहीं तो अगर चाहते तो ये पोएट ये सोच सकते हैं कि वैसे मेरा दिन ख़राब था और तुम आ गए ऊपर से, काला कौवा आ गया और ये हेमलॉक ट्री जो कि पॉइजनस होता है, जहरीला होता है, ऐसा सोच सकते थे, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं सोचा। अब यहाँ पर कुछ पोएटिक यानी कि लिटरेरी डिवाइस यूज हुए हैं, उनके नाम यहाँ पर लिखे हैं मैंने, जैसे कि राइम स्कीम्स, एलिट्रेशन, एजोनेंस, कॉन्सोनेंस और एंजाबमेंट। इनको कहाँ यूज होते हैं, तो ये फिगर ऑफ स्पीच होते हैं, अलंकार की तरह काम करते हैं, जैसे हिंदी में काम करते हैं वैसे इंग्लिश में भी होते हैं। तो यहाँ पर राइम स्कीम क्या होता है, इज़ द पैटर्न ऑफ राइम्स एट द एंड ऑफ ईच लाइन ऑफ अ पोएम अ सॉन्ग, यानी कि किसी भी पोएम की एंड लाइन या फिर सॉन्ग की एंड लाइन में आपको एक तुक वाले शब्द मिलते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए आप पहली लाइन में क्रो स्नो, एक ही तुक वाले शब्द है, तो इसको मैं ए नाम देता हूँ और इसको भी ए नाम देता हूँ। राइम स्कीम को ऐसे ही डिनोट किया जाता है। मी ट्री यानी पहली तीसरी से और दूसरी जो है वो फोर्थ नंबर की लाइन से तुक मिला रहे हैं ये शब्द जो एंड वाले हैं। यहाँ देखिए हार्ट पार्ट मूड र्यूड, तो ये ए हो गया, ये भी ए हो गया, ये मी और ट्री ये बी बी हो गए। यहाँ देखिए हार्ट पार्ट इनको हम सी और सी नाम देंगे, और इसको नाम देंगे मूड, और र्यूड को डी डी नाम देंगे। अगर यहाँ पर ऐसा होता कि क्रो स्नो मी ये एक दूसरे में तुक नहीं खाते, तब ये ए बी सी डी पैटर्न बन जाता अलग अलग, चारों में तुक नहीं खाते तो इनका पैटर्न अलग हो जाता, तो फिर यहाँ पर राइम स्कीम नहीं होता। लेकिन यहाँ लग रहा है हर दूसरी और तीसरी लाइन पर ये लागू हो रहा है, तो इसको बोलते हैं राइम स्कीम। अगला है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है, द यूज ऑफ द सेम लेटर ऑन साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड देट आर क्लोजर टुगेदर, यानी कि जो पास में वर्ड आते हैं यदि उनमें एक जैसे ही लेटर का उपयोग किया जाता है तो वहाँ पर एलिट्रेशन होता है। यहाँ देखिए आप यहाँ पर एक लेटर है एस और यहाँ पर भी एक लेटर है एस, सेव्ड सम, यहाँ पर ये क्या कर रहा है, यहाँ पर सेम साउंड कर रहा है और सेम लेटर है, तो ये यहाँ पर क्या हो गया आपका एलिट्रेशन हो गया। वैसे ही थोड़े क्लोज भी हो सकते हैं, थोड़े दूर भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि बिल्कुल ही क्लोज में हो। हेज हार्ट यहाँ पर भी एज है और यहाँ पर भी एज है, और ये दोनों थोड़े ही दूर है लेकिन क्लोज है, इतने भी दूर नहीं है, तो यहाँ पर एलिट्रेशन लग रहा है, तो इसको बोलते हैं एलिट्रेशन, यानी कि सेम लेटर या फिर सेम साउंड रिपीट होता है तो वहाँ पर क्या होता है एलिट्रेशन होता है, और ये बिगिनिंग में होना चाहिए ना कि बीच में। जैसे कि यहाँ पर हार्ट ही मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ ह वाला साउंड कहाँ निकल रहा है, स्टार्टिंग में, तो ये स्टार्टिंग में होना चाहिए ना कि बीच में। अब आगे आ जाता हम एजोनेंस। एजोनेंस का मतलब होता है वोवेल राइम्स, यानी कि जब आपके स्वर वाला साउंड जो है वो रिपीट होता है तब आपका एजोनेंस लागू होता है। कैसे समझेंगे इसको आप, यहाँ देखिए आप सुख डाउन ऑन मी, यहाँ पर ओ है, फिर यहाँ पर ओ है और यहाँ पर ओ है, तो यहाँ पर ये क्या है आपके स्वर है, और ये यहाँ पर बार बार एक ही लाइन में आ रहे हैं पास पास वाले वर्ड में, और ये यहाँ पर स्वर वाला साउंड दे रहे हैं ओ सुख डाउन ऑन, तो इस तरीके से यहाँ पर क्या हो गया एजोनेंस हो गया। डेफिनेशन के हिसाब से हम देखेंगे एजोनेंस आर वोवेल राइम्स इज़ द रिपीटेशन ऑफ वोवेल साउंड एक्रॉस अ लाइन ऑफ टेक्स्ट आर पोएट्री, द वर्ड हैव टू बी नियर इनअप टू ईच अदर डेट द सिमिलर वोवेल साउंड नोटिसेबल। अब अगला हम देखते हैं कॉन्सोनेंस। कॉन्सोनेंस क्या होता है, जिस तरीके से स्वर का रिपीटेशन होता है नियर वाले शब्दों में, नियर वाले वर्ड्स में, वैसे ही यदि व्यंजन का उच्चारण हो रहा है तो वहाँ पर कॉन्सोनेंस होगा, बड़ा सिंपल है। तो जैसे कि डे आई हेड र्यूड, डी आ रहा है हेड र्यूड, डे आई हेड र्यूड, तो बार बार यहाँ पर डी का उच्चारण हो रहा है और डी का क्या है आपका कॉन्सोनेंट है, तो ये यहाँ पर क्या हो गया आपका कॉन्सोनेंस। तो इस तरीके से यहाँ पर पोएटिक डिवाइसेस या फिर लिटरेरी डिवाइस को यूज़ किया गया है। और लास्ट आपका आता है एंजेबमेंट। ये क्या होता है, जब आपका स्टंजा इस तरीके से लिखा गया हो या फिर इस तरीके से उसका निर्माण किया गया हो कि पहली लाइन से दूसरी और दूसरी तीसरी और तीसरी चौथी लाइन में जाने पर किसी प्रकार का पंक्चुएशन मार्क ना हो यानी विराम चिन्ह ना हो,
हम एक ही सीधी लाइन में उनको बोल सकते हैं, जैसे कि द वे अ क्राउ सोक डाउन ऑन मी, द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। तो इसका मतलब यह है कि मैं इसको बोले जा रहा हूँ बिना रुके हुए। अगर यहाँ पर कोमा होता या फिर फुल स्टॉप होता तो मैं कहीं ना कहीं रुकता, लेकिन यहाँ पर इन चारों लाइनों में पंचुएशन मार्क कहीं पर भी नहीं है, सिर्फ एंड में फुल स्टॉप है। तो इसको बोलते हैं इंजाबमेंट, यानी कि लाइनें बिना किसी रुकावट के आप पढ़ सकते हैं पोएम को, तभी तो उसमें तुक आता है और तभी तो उसमें लय आती है। तो ये सारे आपके हो गए फिगर ऑफ स्पीच, तो इनको आपको जानना ज़रूरी होता है। ये थी डस्ट ऑफ स्नो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई एक पोएम। मैंने आपको इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया है, साथ में मैंने इसमें लिटरेरी डिवाइस यानी पोएटिक डिवाइस को भी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये पोएट है और पोएट के ऊपर इस क्राउन ने हेमलॉक ट्री के ऊपर से कुछ इस तरीके से बर्फ गिरा दी थी, जिससे इनका मूड परिवर्तन हो गया और उनका आने वाला दिन खुशी से गुजरने वाला है, यही हमें वो समझाना चाह रहे थे। तो काफ़ी अच्छी पोएम थी, आई होप आप सभी को पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों फैमिली में जरूर शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन आंसर का वीडियो देखना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।